अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है साइन एन प्लस वन इंटू ए इंटू साइन एन प्लस टू इंटू ए प्लस कॉस एन प्लस वन इंटू ए और फिर है कॉस एन प्लस टू इंटू ए, ये इक्वल होगा कॉस ए के बराबर। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, राइट हैंड साइड तक पहुंच जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो पद दिया गया है इसे हम उल्टे क्रम में लिख लेते हैं, अर्थात ये जो पद है इसे हम पहले लिख लेते हैं। तो कॉस एन प्लस वन इंटू ए, फिर कॉस एन प्लस टू इंटू ए और फिर साइन एन प्लस वन इंटू ए और फिर साइन एन प्लस टू इंटू ए। तो यदि इस पूरे पद को ए मान लिया जाए और इस पूरे पद को बी मान लिया जाए, तो देखिए ये कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी के फॉर्म पे है। तो चूंकि आपको पता है कि कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी ये कॉस ए माइनस बी के बराबर होते हैं, तो इसका हम इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे। तो इस पद को हम लिख सकते हैं कॉस एन प्लस टू ए माइनस एन प्लस वन इंटू ए। चूंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, इस वजह से इस पद को आगे इस पद को पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे और आगे सरल करेंगे तो हमें मिल जाएगा कॉस, दोनों पदों में ए है तो आप ए को बाहर लिख सकते हैं, फिर ये एन प्लस टू माइनस एन और ये माइनस और ये प्लस वन का मल्टीप्लाई होकर के मिल जाएगा माइनस, और ये प्लस एन और ये माइनस एन ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और टू माइनस वन हमें मिलेगा वन। तो इस तरीके से इसे सॉल्व करने पर आपको मिल गया कॉस ए और यही हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कि कॉस ऑफ पाई बाई फोर प्लस एक्स प्लस कॉस ऑफ पाई बाई फोर माइनस एक्स ये बराबर होगा रूट टू कॉस एक्स के। तो लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के चलेंगे और ये कॉस ए प्लस बी और ये कॉस ए माइनस बी के फॉर्म पर है, इसका हम विस्तार करते हुए हल करेंगे तो हम इस वहाँ तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स कॉस ए प्लस बी दैट इज कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी फिर प्लस कॉस ए माइनस बी, ये होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो देखिए ये साइन पाई बाई फोर साइन एक्स ये माइनस है और यहाँ पर ये पद प्लस है साइन पाई बाई फोर साइन एक्स, तो ये पद और ये पद कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बचेगा वो होगा टू कॉस पाई बाई फोर इंटू कॉस एक्स। अब चूंकि कॉस पाई बाई फोर की वैल्यू होती है वन बाई रूट टू, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो टू इंटू वन बाई रूट टू इंटू कॉस एक्स, इसे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा रूट टू कॉस एक्स और यही हमें सिद्ध करना था। तो इस तरीके से यह प्रश्न सिद्ध हुआ कि कॉस पाई बाई फोर प्लस एक्स प्लस कॉस पाई बाई फोर माइनस एक्स इक्वल टू रूट टू कॉस एक्स। एक और प्रश्न में हमें यह सिद्ध करना है कि कॉस थ्री पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस कॉस थ्री पाई बाई फोर माइनस एक्स इक्वल टू माइनस रूट टू साइन एक्स। यहाँ पर ये कॉस ए प्लस बी और ये कॉस ए माइनस बी के फॉर्म में है जैसे कि पिछले प्रश्न में था। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे और इन पदों का विस्तार करके सरल करेंगे वहाँ तक हम पहुँच जाएंगे। तो कॉस थ्री पाई बाई फोर प्लस एक्स माइनस कॉस थ्री पाई बाई फोर माइनस एक्स कॉस ए प्लस बी, तो हम लिखेंगे कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी फिर माइनस देखिए कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी और ये प्लस होता है लेकिन यहाँ पर चूंकि माइनस है तो माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस कॉस ए कॉस बी और फिर आगे हमें लिखना है साइन ए साइन बी। देखिए ये पद धनात्मक है और ये पद ऋणात्मक है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे और ये माइनस साइन के साथ हमें मिलेगा माइनस टू टाइम्स साइन थ्री पाई बाई फोर
इंटू साइन एक्स। अब ये माइनस टू साइन थ्री पाई बाई फोर है, इसे हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई फोर, और इधर ये साइन एक्स। पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा, ये साइन थीटा होता है, तो यहाँ से ये माइनस टू पहले से है, और फिर ये साइन पाई बाई फोर, और ये साइन एक्स। तो साइन पाई बाई फोर का मान रखेंगे तो वन बाई रूट टू पुट कर देते हैं, और फिर ये साइन एक्स। इसे और सरल करने पर हमें मिलेगा माइनस रूट टू इंटू साइन एक्स। ये देखिए, ये राइट हैंड साइड का इक्वल है, तो इस तरीके से यह प्रश्न भी सिद्ध हुआ। तो इस प्रश्न में दिया गया है कि यदि x इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी और y इक्वल टू कॉट बी माइनस कॉट ए हो तो सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस बी इक्वल टू वन बाई वाई प्लस वन बाई एक्स। ये हमें सिद्ध करना है। तो चलिए, हल करने के पहले जो चीज़ें दी गई है उसे लिख लेते हैं। दिया है x इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी, तो देखिए ये y भी टेन के, तो y भी cot के फॉर्म पर है, और यहाँ जो हमें सिद्ध करना है वो भी cot ऑफ a माइनस बी है। तो यहाँ पर ये जो टेन ए टेन बी दिया गया है, इसे हम cot के पदों में लिख लेते हैं। तो इसे आगे हल करने पर हमें मिलेगा वन अपॉन कॉट ए माइनस वन अपॉन कॉट बी, और इसे और आगे हल करेंगे तो यहाँ पर हमें एलसीएम मिलेगा कॉट ए इंटू कॉट बी, लघुतम समापवर्त मिलेगा, और फिर अंश में हमें मिलेगा कॉट बी माइनस कॉट ए। इसे हम समीकरण दो का नाम देते हैं। अब अगली जो राशि दी गई है ये है वाई, वाई इक्वल टू कॉट बी माइनस कॉट ए, ये हमें दिया गया है। इसे समीकरण तीन मान लेते हैं, माना ये समीकरण एक है। चलिए, अब cot ऑफ a माइनस बी ये हमें ज्ञात करना है। तो cot a माइनस बी क्या होता है, cot a cot b प्लस वन अपॉन cot b माइनस cot a। इन दोनों पदों को हम अलग अलग लिख लेते हैं, तो हमें मिलेगा cot a इंटू cot b अपॉन cot b माइनस कॉट ए, फिर प्लस वन अपॉन ये पद कॉट बी माइनस कॉट ए। जो एलसीएम है ये कॉट बी माइनस कॉट ए था, इस वजह से हमने दोनों पदों को अलग अलग इस तरीके से लिख लिया है। अब ये देखिए कि कॉट बी कॉट ए, कॉट बी कॉट ए अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए ये है, और ये पद वन अपॉन एक्स के बराबर है। ये x है, यदि इसे 1 बाई एक्स लिखेंगे तो हमें यही मिलेगा cot a cot b अपॉन cot b माइनस cot a। इसी तरीके से 1 अपॉन cot b माइनस cot a, तो ये हमें 1 बाई वाई के बराबर मिलेगा। और यही हमें सिद्ध करना था कि cot ऑफ a माइनस b इक्वल टू 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। इस प्रकार यह प्रश्न सिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, यदि cos ऑफ a माइनस b ये 3 बाई फाइव हो और tan a इंटू tan b ये दो के बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि cos a इंटू cos b ये 1 बाई फाइव के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। चलिए, हल करने के पहले जो चीज़ें दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है cos ऑफ a माइनस बी ये 3 बाई फाइव के बराबर है। तो cos a माइनस बी, इसका विस्तार कर लेते हैं, cos a cos b प्लस sin a sin b इक्वल टू 3 अपॉन 5। इसे समीकरण एक का नाम दे देते हैं। अब दूसरा दिया गया है tan a इंटू tan b ये 2 है, तो यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं कि tan को sin a अपॉन कॉस ए, और ये टेन बी को लिख सकते हैं साइन बी अपॉन कॉस बी इक्वल टू 2, या फिर साइन ए
इंटू साइन बी इक्वल टू मिलेगा टू टाइम्स कॉस ए कॉस बी। इसे समीकरण दो नाम दे देते हैं। अब ये जो साइन ए साइन बी का मान है इसे समीकरण एक में रख देते हैं। तो समीकरण एक में मान रखने पर हम लिखेंगे तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस टू टाइम्स कॉस ए कॉस बी। ये देखिए कॉस ए कॉस बी हमने लिखा, साइन ए साइन बी का मान यहाँ से हमें मिला है टू कॉस ए कॉस बी, वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया है और ये इक्वल टू थ्री बाई फाइव है। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा थ्री टाइम्स कॉस ए कॉस बी इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव। तो ये थ्री और ये थ्री दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और आगे हमें मिलेगा कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू वन बाई फाइव, जो कि हमें सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई, ये इक्वल टू होगा टेन एक्स प्लस टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई के। तो इसके लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन एक्स माइनस वाई। इसका विस्तार लिखते हैं, साइन ए प्लस बी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, फिर अपॉन साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला आपको पता है। देखिए ये साइन लेफ्ट साइड में साइन एक्स प्लस वाई और अपॉन साइन एक्स माइनस वाई है, लेकिन राइट हैंड साइड में टेन एक्स प्लस टेन वाई है। तो यहाँ पर जो हमें पद मिल रहा है ये साइन एक्स है और ये कॉस वाई है, हमें चाहिए टेन एक्स। तो पूरे पदों को यदि हम कॉस एक्स कॉस वाई से भाग दे दें तो यहाँ पर हमें ये जो पद है ये टेन एक्स मिल जाएगा। उसी तरीके से शेष पद भी इस क्रम में आ जाएंगे। तो इसे हम आगे लिख रहे हैं साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई अपॉन ये साइन एक्स कॉस वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई, फिर माइनस कॉस एक्स साइन वाई अपॉन कॉस एक्स कॉस वाई। इसको हम आगे हमने हल किया। अब देखिए ये कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा, तो आगे जब इसे आप हल करेंगे तो आपको मिलेगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये से आपको हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेन एक्स। इसी तरीके से ये कॉस एक्स और कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, साइन वाई अपॉन कॉस वाई यहाँ पे बचेगा। फिर इसी तरीके से ये कॉस वाई और ये कॉस वाई कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल रहा है यहाँ पे साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, फिर माइनस ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर है साइन वाई अपॉन कॉस वाई। तो आगे जब इसे हल करेंगे तो आप लिख पाएंगे कि साइन एक्स प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ एक्स माइनस वाई, ये टेन एक्स है और फिर अगला पद है टेन वाई अपॉन टेन एक्स माइनस टेन वाई, और इस प्रश्न में हमें यही सिद्ध करना था। अगला प्रश्न है, यदि साइन एक्स इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव और कॉस वाई इक्वल टू माइनस ट्वेल्व अपॉन थर्टीन है, जहां पर x और y दोनों द्वितीय चतुर्थांश पर है, तो sin of x plus y का मान ज्ञात कीजिए। चलिए जो राशियां पहले दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। तो दिया है कि साइन एक्स इक्वल टू थ्री अपॉन फाइव और कॉस वाई इक्वल टू माइनस ट्वेल्व अपॉन थर्टीन। दूसरी बात यह कही गई है कि एक्स और वाई ये दोनों द्वितीय चतुर्थांश पर है। चलिए
अब चूंकि साइन एक्स दिया गया है, साइन एक्स दिया गया है, तो आप कॉस एक्स को लिख सकते हैं रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसे आगे हल करेंगे तो आपको मिलेगा वन माइनस साइन एक्स का स्क्वायर है तो 3/5 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 9/25, और इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको 16/25। तो इस तरीके से कॉस एक्स की जो वैल्यू मिलेगी ये प्लस माइनस 4/5 मिलेगी। 16 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 4 मिलेगा और 25 का स्क्वायर रूट करेंगे तो आपको मिलेगा 5। तो इस तरीके से ये हमें मिल गया कॉस एक्स जो है ये प्लस माइनस 4/5। इसी तरीके से कॉस वाई दिया गया है, कॉस वाई दिया गया है तो हम साइन वाई लिख सकते हैं, ये हमें मिलेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर वाई। इसे आप आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा 1 माइनस माइनस ऑफ 12/13 का स्क्वायर करेंगे तो आपको मिल जाएगा 144/169। इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 25/169। इसे जब और आगे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन वाई इक्वल टू प्लस माइनस 5/13। ये मान आपको मिल गया साइन वाई का। अब देखिए साइन एक्स प्लस वाई ये हमें ज्ञात करना था, तो चूंकि साइन एक्स प्लस वाई या साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो चूंकि यहाँ पर साइन एक्स दिया गया था हमें, यहाँ पर कॉस वाई दिया गया था हमें, साइन वाई की ज़रूरत है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर सरसमीका का उपयोग करके कॉस एक्स और साइन वाई का मान ज्ञात कर लिया है। अब चूंकि यह कहा गया है कि एक्स और वाई दोनों द्वितीय चतुर्थांश पर है, तो आपने यह पढ़ा हुआ है कि पहले चतुर्थांश पर सभी त्रिकोणमितीय फलन धनात्मक होते हैं, दूसरे चतुर्थांश पर साइन और कोसेक धनात्मक होते हैं, तीसरे में टैन और कॉट, और चौथे चतुर्थांश पर कॉस और सेक धनात्मक होता है। चूंकि दूसरे चतुर्थांश पर बात की गई है तो हमें यहाँ पर जो कॉस एक्स का मान मिलेगा ये ऋणात्मक मान मिलेगा। इसी तरीके से ये जो साइन वाई है, वाई भी द्वितीय चतुर्थांश पर है लेकिन साइन जो है वो दूसरे चतुर्थांश पर भी धनात्मक होता है, तो इस वजह से यहाँ पर जो मान हमें लेना होगा ये साइन वाई का 5/13 लेना होगा। अब आगे चलते हैं, साइन ऑफ एक्स प्लस वाई का मान हमें ज्ञात करना है। साइन ए प्लस बी ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो इस तरीके से हम यहाँ पर जो मान दिया गया है इसे रख लेते हैं। साइन एक्स 3/5 दिया गया है, फिर कॉस वाई माइनस 12/13, फिर कॉस एक्स ये माइनस 4/5 और साइन वाई ये 5/13। तो इस तरीके से यदि आप इसे हल करेंगे तो मिल जाएगा माइनस 36/65, 12 3 36 और 13 5 65। इसी तरीके से 5 और 4 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा 20 और 13 5 65, दोनों का लघुत्तम समापवर्त 65 है, तो इस तरीके से दोनों जुड़ जाएंगे माइनस 36 माइनस 20। इसे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा -56/65, और यही उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करना था। तो इस प्रश्न में है कि यदि 3 times tan A into tan B ये इक्वल टू 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि 2 times cos of A plus B जो होगा ये cos of A minus B के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो हल करने के पहले जो चीज़ें दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है कि 3 times tan A into tan B इक्वल टू 1 दिया गया है। अब यहाँ पर जो हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर ये cos के टर्म पे है तो ये जो tan A है इसे हम sin by cos के फॉर्म पे लिख लेते हैं। तो इस तरीके से हम इसे लिख पाएंगे 3 times sin A sin B upon cos A cos B ये इक्वल टू 1। अब ये जो 3 ऐसे पक्षांतर कर देते हैं तो हमें मिलेगा sin A into sin B upon cos A cos B equal to 1/3। अब आगे जो हमें उपयोग करना है उसके लिए देखिए कि ये cos A plus B दिया गया है और cos A plus B होता है cos A cos B minus sin A sin B। तो यहाँ पर ये दोनों चीज़ें तो दी गई है
तो हम यहाँ पर योगांतरानुपात का उपयोग करेंगे। पिछले कक्षा में आप पढ़ चुके हैं कि यदि a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d हो, तो यदि दोनों पक्षों में हम किसी एक संख्या का योग करें, समान संख्या का योग करें, तो ये इक्वल टू या ये जो इक्विलिटी है ये बनी रहेगी। तो इस तरीके से हमें मिलेगा a प्लस बी अपॉन बी और राइट साइड में मिलेगा c प्लस डी अपॉन डी। इसे समीकरण एक दे देते हैं। अब यदि a बाई बी a अपॉन बी माइनस वन इक्वल टू c अपॉन डी माइनस वन करें, तो यहाँ पर हमें जो मिलेगा ये मिलेगा a माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू c माइनस डी अपॉन डी। ये समीकरण दो। यदि समीकरण एक को दो से भाग दें तो देखिए a प्लस बी अपॉन बी और फिर ये अपॉन है a माइनस बी अपॉन बी। इसी तरीके से अंश में हमें मिलेगा c प्लस डी अपॉन डी और हर में मिलेगा c माइनस डी अपॉन डी। इसे जब हल करेंगे तो आपको मिलेगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। ये b और ये b कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर ये d और ये d आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। और यही है योगांतरानुपात। तो देखिए a अपॉन b इक्वल टू c अपॉन d था, तो योगांतरानुपात से हम लिख सकते हैं a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू c प्लस डी अपॉन c माइनस डी। यही है योगांतरानुपात। तो यहाँ पर भी हम योगांतरानुपात का उपयोग करेंगे। इस अनुपात को हम पहले वन अपॉन में लिख लेते हैं, तो इसका मतलब ये कि cos a cos b अपॉन sin a sin b, ये हम लिखें तो ये हमें 3/1 मिलेगा। अब यहाँ पर योगांतरानुपात लगाएं तो हमें मिलेगा cos a cos b प्लस sin a sin b अपॉन cos a cos b माइनस sin a sin b। इस तरफ 3/1/3-1, इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 4/2 और इसे और सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा आपको 2। तो अंश में जो राशि दी गई है ये है cos of a माइनस b और हर में जो राशि है ये है cos of a प्लस b, ये इक्वल टू 2। और इसे और आगे पक्षांतर करके लिखेंगे तो ये 2 का गुणा इस पूरे पद के साथ करेंगे, उसे हम लेफ्ट साइड पे लिख रहे हैं, तो हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स cos of a प्लस b इक्वल टू cos of a माइनस b। और यही हमें सिद्ध करना था कि 2 cos of a प्लस b इक्वल टू cos a माइनस b। प्रश्न है यदि sin b इक्वल टू 3 टाइम्स sin 2a प्लस b हो, तो सिद्ध कीजिए कि 2 टाइम्स tan a प्लस tan ऑफ a प्लस b ये 0 के बराबर होगा। तो जो चीज़ें पहले दी गई है उसे हम लिख लेते हैं। दिया है कि sin b ये जो है ये 3 टाइम्स sin ऑफ 2a प्लस b के बराबर है। तो इसे हम पक्षांतर करके लिखें तो हम लिखेंगे sin ऑफ 2a प्लस b अपॉन sin b इक्वल टू 1/3। अब इसे आगे देखिए, यहाँ पर ये a प्लस b के फॉर्म पर है, यहाँ पर है हमारे पास 2a प्लस b, तो इसे हम कुछ इस तरीके से तोड़ लेते हैं। sin ऑफ a प्लस b प्लस a और अपॉन ये जो sin b है इसे हम लिख रहे हैं a प्लस b माइनस a, ये इक्वल टू है 1/3 के। अब यहाँ पर हम योगांतरानुपात लगाएंगे। योगांतरानुपात पूर्व प्रश्न में जैसा हमने हल किया था उसी तरीके से हल करेंगे, तो हमें मिल जाएगा sin a प्लस बी प्लस ए और फिर ये हर में जो राशि है ये योग के रूप में आएगा sin ऑफ a प्लस बी माइनस ए और फिर अपॉन sin a प्लस बी प्लस ए और फिर माइनस sin a प्लस बी माइनस ए, ये 1/
वन प्लस थ्री अपॉन वन माइनस थ्री, इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा फोर अपॉन माइनस टू, और आगे हल करेंगे तो मिल जाएगा माइनस टू। अब ये साइन ए प्लस बी और ये साइन ए माइनस बी के फॉर्म पे है, तो इसका जब हम विस्तार करेंगे, देखिए ये पूरे पद को आप ए मान लीजिए और इसको बी मान लीजिए, तो साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से साइन ए माइनस बी, तो अब लिखेंगे साइन ए कॉस बी फिर माइनस कॉस ए साइन बी। तो इस तरीके से हमने ये अंश का पूरा प्रसार लिख लिया है, और ये फिर ये अपॉन में है साइन ए प्लस बी, तो हर में ये जो पद है ए प्लस बी इसे हम ए मान लेते हैं और इस दूसरे पद को बी मान लेते हैं, तो साइन ए प्लस बी ये होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर ये माइनस साइन है, अब इस पूरे पद को ए मान ले और इस पद को बी मान ले, तो ये साइन ए माइनस बी के फॉर्म पे है, तो साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन ए कॉस बी माइनस, अब चूंकि यहाँ पर पहले से माइनस है और ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, तो आगे हमें जो पद मिलेगा वो प्लस के फॉर्म पर होगा कॉस ए साइन बी, और ये इक्वल टू है माइनस टू के। अब ध्यान से देखिए कि ये माइनस कॉस ए प्लस बी और ये साइन ए है, ये जो पद है कॉस ए प्लस बी साइन ए ये धनात्मक है और ये पद ऋणात्मक है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरीके से हर में ये जो राशि दी गई है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ए, ये ऋणात्मक है और ये साइन ए प्लस बी कॉस ए ये ऋणात्मक और ये धनात्मक है, तो ये जो पद हैं ये कैंसिल हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली हमें यहाँ पर मिल रहा है कि साइन ए प्लस बी इंटू कॉस ए प्लस, देखिए साइन ए प्लस बी कॉस ए, साइन ए प्लस बी कॉस ए, ये दो बार है अतः इसे हम लिख रहे हैं टू टाइम्स साइन ए प्लस बी कॉस ए, फिर अपॉन कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए, ये पद और ये पद दोनों समान पद है, इसे भी हल करेंगे तो मिल जाएगा टू टाइम्स कॉस ए प्लस बी इंटू साइन ए इक्वल टू, ये माइनस टू के बराबर है, तो ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, आगे इसका तिर्यक गुणा कर देंगे, तो आगे देखिए ये साइन ए प्लस बी और अपॉन कॉस ए प्लस बी, और हमें सिद्ध करना है टू टाइम्स ए प्लस टेन ऑफ ए प्लस बी, तो ये दो और ये दो कैंसिल हो जाएगा, इस पद को हम लिखेंगे टेन ऑफ ए प्लस बी, और ये कॉस ए अपॉन साइन ए है, यदि इसे लिखा जाए तो हम लिख सकते हैं अपॉन टेन ऑफ ए, ये माइनस टू के इक्वल है। अब जब हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा टेन ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू माइनस टू टाइम्स टेन ए। अब ये जो राइट साइड में इसे पक्षांतर कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा टू टाइम्स टेन ए प्लस टेन ऑफ ए प्लस बी, ये इक्वल टू ज़ीरो, और यही हमें सिद्ध करना था।